हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण केस पढ़ेंगे, केस को समझेंगे, जिसका नाम है धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 सुप्रीम कोर्ट। मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे हम कानून के रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग वेरियस सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ बनाते हैं। केस सीरीज़ की अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंडियन पिनल कोड, जुरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टोर्ट्स, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, वेरियस सब्जेक्ट्स की वीडियो हमने बनाई है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है, हम और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। आइए इस वीडियो की आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं इस केस को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है जो कि डेथ पेनल्टी से डील करता है, जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस से डील करता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस मेरे दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है। 1994 का 21st सेंचुरी में धनंजय चटर्जी पहला पर्सन था जिसको एग्जीक्यूशन की सज़ा मिली थी, अर्थात डेथ पेनल्टी दी गई थी। और उस ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी दी गई थी जो कि टेररिज्म से अलग था। टेररिज्म अर्थात आतंकवाद का कोई इसने ऑफेंस नहीं किया था, इसने ऑफेंस किया था रेप का प्लस मर्डर का। रेप ऑफ माइनर एंड मर्डर ऑफ दैट माइनर गर्ल, इसने ये ऑफेंस किया था। और इसको 21st सेंचुरी में पहली बार जो थी वो सज़ा मिली, डेथ पेनल्टी मिली थी, और अर्थात एक्चुअल में एग्जीक्यूशन हुई थी, एक्चुअल में इसको डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले केस के फैक्ट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं केस के फैक्ट्स की बात करूं तो मेरे दोस्तों इसमें हुआ क्या था। एक्चुअल में तीन चार करेक्टर्स आपने याद रख लेने हैं। पहला एक है हेटल, हेटल परेख, जो कि एक माइनर लड़की थी जिसका रेप हुआ था और जिसका मर्डर किया गया था। हेटल परेख, हेटल मैं प्रनाउंस कर रहा हूँ HETL, हेटल परेख। दूसरे करेक्टर का नाम है धनंजय चटर्जी, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था। धनंजय चटर्जी जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड था। तीसरा करेक्टर आपने याद रख लेना है यशोमती, जो कि हेटल परेख की मदर थी। यशोमती वॉज द मदर ऑफ हेटल परेख, जिस लड़की का रेप हुआ उसकी मदर का नाम था यशोमती। और अगला था नागरदास, नागरदास परेख जो कि फादर थे, नागरदास परेख जो कि फादर का नाम था। और लास्ट था भवेश परेख, भवेश परेख जो कि इस लड़की के ब्रदर थे। हेटल परेख लड़की थी जिसका रेप हुआ, जिसका मर्डर किया गया। धनंजय चटर्जी वो पर्सन था जिसने, जो एक्यूज था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी, जिसने रेप किया था, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे थे, जिसको फांसी भी हुई। यशोमती इस लड़की का, लड़की की मदर थी जिसका रेप हुआ था। नागरदास परेख इसके फादर थे, भवेश परेख इसके ब्रदर थे। हुआ क्या मेरे दोस्तों, एक्चुअली जो धनंजय चटर्जी था ये एक सिक्योरिटी गार्ड था, और ये उस अपार्टमेंट, उस उन बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी गार्ड था, उन बिल्डिंग का जहाँ पे ये फैमिली रहती थी, यशोमती, नागरदास, भवेश एंड हेटल, ये पूरी फैमिली वहाँ पे रहती थी। हुआ क्या, जो ये हेटल परेख थी इसने अपनी मदर के साथ शिकायत करी कि मम्मी जो धनंजय चटर्जी है वो मुझे ईव टीजिंग करता है, मुझे तंग करता है और मेरे ऊपर इसकी ईविल आई है। ये बच्ची थी, इसको गलत कुछ लगा, इसने मदर को जाके बोला। मदर ने अपने हस्बैंड के साथ ये बात बताई, नागरदास परेख के साथ ये बात बताई कि ऐसे ऐसे ये सिक्योरिटी गार्ड हमारी लड़की को तंग करता है, उसको ईव टीज करता है। नागरदास ने सिक्योरिटी गार्ड का जो हेड था, श्याम उसका नाम था, उस हेड के साथ इसने बात करी नागरदास ने, और इन्होंने क्या किया, धनंजय चटर्जी को वहाँ से हटाकर कहीं और ट्रांसफ़र करवा दिया और वहाँ पर नया सिक्योरिटी गार्ड आ गया। ये तो एक फेस हो गया जो आपको समझ आ गया, आई होप। दूसरा फेस क्या था मेरे दोस्तों, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब इसकी ट्रांसफ़र हो गई तो कुछ दिन के बाद एक्चुअल में इनकी एक प्रॉपर रूटीन थी। सुबह फादर और इसका ब्रदर ये अपने बिजनेस के लिए जाते थे, हेटल परेख स्कूल जाती थी, स्कूल से 1 बजे ये वापस आती है,
स्कूल गई, स्कूल से 1 बजे एग्ज़ाम देकर वापस आ गई, और घर में मदर और दोनों ही अलग थे, अकेले थे। मदर एंड हेटल परेख ने यशोमती दोनों अकेले थे घर में। यशोमती 5 बजे से 5:30 बजे जो थी वो मंदिर जाती थी, तो यशोमती मंदिर चली गई। पीछे ये लड़की अकेली थी, हेटल परेख अकेली थी, और जब ये अकेली थी तो उस टाइम पर धनंजय चटर्जी जो एक्यूज था इसके घर पे गया, और वहाँ जाकर इसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया, लड़की के साथ ऑफेंस कमिट किया, रेप का एंड मर्डर का। जब मदर वापस आई तो इसने काफ़ी बेल बजाई घर की, पर कोई घर नहीं खोल रहा था। बाद में आस पड़ोस के लोग भी आ गए, इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी बेल काफ़ी रिंग करी, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। बाद में दरवाजे को तोड़ा गया, अंदर देखा बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी थी, लड़की जो थी अनकॉन्शियस पड़ी थी, बेहोश पड़ी थी या डेड पड़ी थी। और वहीं से फिर पुलिस को बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फाइनली धनंजय चटर्जी को जो एक्यूज बनाया गया, इसके ऊपर इसके नाम की चार्जशीट फाइल करी गई और केस चला। अब आइए इस केस के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, इश्यूज क्या थे इस केस के। तो मेरे दोस्तों, इस केस में 4 इश्यूज अराइज हुए। सबसे पहला इशू था वेदर द अपीलेंट, अपीलेंट मतलब धनंजय चटर्जी जिसको डेथ की सजा मिली थी, वेदर द अपीलेंट वॉज द अजेलेंट हु हैड रेप्ड एंड मर्डर्ड डिफेंसलेस यंग गर्ल, क्या धनंजय चटर्जी ने ही यंग गर्ल का रेप और मर्डर किया। दूसरा, वेदर अपीलेंट हैड मोटिव टू डू सो, क्या अपीलेंट का कोई मोटिव था ये करने का। तीसरा, वेदर केस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, क्या जो केस है जो भी ये हुआ ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का जो एक डॉक्ट्रीन दी गई थी बच्चन सिंह वर्सेस सड़ो पंजाब के केस में, उस डॉक्ट्रीन के अनुसार ये केस फाइल करता है, ये केस क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, क्योंकि मर्डर की सजा, क्योंकि डेथ की पेनल्टी आप उसी केस में दे सकते हो जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, तो क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता था। और फाइनली, वेदर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज, वेदर द केस एस्टैब्लिशेस द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज टू बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि जो केस है वो सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज के ऊपर बेस्ड था, तो क्या इसे कोर्ट ऑफ लॉ में माना जाएगा, क्या इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को महत्व देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये इश्यूज बनाए गए थे कोर्ट के सामने। फाइनली कोर्ट की जजमेंट आई, और जजमेंट अब डिस्कस करेंगे क्या बोला गया। फाइनली मेरे दोस्तों, अगर मैं जजमेंट की बात करूं तो इस केस में धनंजय चटर्जी को हराया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन को बिल्कुल बरकरार रखा। डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज थे हमारे, जो हाई कोर्ट थे हमारे, उन्होंने जो डिसीजन दिया था, धनंजय चटर्जी को जो डेथ पेनल्टी दी गई थी उसको बरकरार रखा। और साथ ही साथ इस केस के बाद धनंजय चटर्जी को 21वीं शताब्दी में पहली बार डेथ पेनल्टी मिली थी, एक्चुअल में उस केस के लिए जो टेररिज्म के अलग का केस था। मेरे दोस्तों, इस केस में बोला गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तब वैलिड होते हैं जब एक प्रॉपर चेन पूरी हो जाए, और इस केस में जो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया था और जो भी सर्कमस्टेंसेस थे केस के, उसको जो भी उसने वहाँ से एक रिस्ट वॉच भी चुराई थी, उसके ऊपर 380 का चार्ज भी लगा था, मैं आपको बताना भूल गया, उसने रिस्ट वॉच चुराई थी वहाँ घर से, उसके ऊपर 380 IPC का चार्ज भी लगा, चोरी का चार्ज भी लगा था। तो जो सारे सर्कमस्टेंसेस थे वो यही इशारा कर रहे थे कि इसने लड़की का रेप किया और मारा, और फाइनली इसको सजा हुई, डेथ पेनल्टी हुई। ये सारा इस केस के बारे में था। आई होप आपको केस अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।